देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नए राज्यपाल मिल गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुछ नए चेहरों को राज्यों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, तो कुछ राज्यपालों का ट्रांसफर किया गया। राष्ट्रपति भवन से जारी राज्यपाल के 13 नामों की लिस्ट में जो सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं वो है रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नजीर। जस्टिस एस अब्दुल नजीर पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट जज के पद से रिटायर हुए हैं। जस्टिस नजीर अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई करने वाले 5 जजों की पीठ का हिस्सा रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय की जिस पीठ ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या विवाद का फैसला दिया था, जस्टिस नजीर उसके दूसरे सदस्य हैं जिन्हें रिटायरमेंट के बाद सरकारी नियुक्ति मिली है। जस्टिस नजीर से पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व CJI रंजन गोगोई को राज्यसभा का सांसद बनाया जा चुका है। अब जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो कौन है जस्टिस नजीर? जस्टिस एस अब्दुल नजीर कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ जिले के एक दूर दराज गांव से आते हैं। नजीर ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था। स्कूली शिक्षा के दौर में ही पिता के निधन से पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे होने के बावजूद नजीर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद लॉ डिग्री ली और कर्नाटक की अदालतों में वकील की प्रैक्टिस करने लगे। उन्होंने रिटायरमेंट के मौके पर आयोजित समारोह में एक बात कही थी जो किसी का भी दिल छू लेगी। उन्होंने कहा था कि वो चाहते तो अयोध्या विवाद में बाकी 4 जजों के उलट अपनी राय रखकर अपने समुदाय का हीरो बन जाते, लेकिन उन्होंने देश हित को सर्वोपरि समझा। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ में शामिल सभी 5 जजों ने एक मत से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में फैसला दिया था। जस्टिस नजीर 3 तलाक के खिलाफ फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट बेंच के भी सदस्य रहे थे। 13 राज्यपालों की ताजा लिस्ट में शिव प्रताप शुक्ल, लक्ष्मण आचार्य बनारस, गुलाब चंद कटारिया, लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य, त्रिविक्रम पर नाइक समेत कुछ और शख्सियतों को पहली बार राज्यपाल बनाया गया है। इसी लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नजीर भी शामिल है। वहीं फागु चौहान, अनुसुईया उइके, रमेश बैस्क आदि को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया गया। रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है, जहाँ YSR कांग्रेस का शासन है और मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी है। केंद्र की सत्ता में आसीन BJP की नजर दक्षिण राज्यों पर है। पार्टी आंध्र प्रदेश में भी अपनी संभावनाएं तलाश रही है। जस्टिस नजीर खुद दक्षिण के राज्य कर्नाटक से हैं, इस कारण BJP को आंध्र प्रदेश में अपना मकसद साधने में आसानी हो सकती है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।